सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं हिसार के पावड़ा गांव में। हमारे साथ में है संदीप कुंडू और भाई के नाम है अनीश। तो आज आपने राजकुमार और अमरीश पुरी तक मिलावेंगे आड़े बैठे बैठे पावड़ा में, क्योंकि पावड़ा का जो लड़का है ये संदीप है, तो यो मिमिक्री कराया करे, पक्षियों की आवाज लगाया करे, तो सारी आवाज आपने सुनावेंगे। मतलब किसा हुनर है कि किस प्रकार तक घर बैठे बैठे मतलब हीरो की भी मिमिक्री करते हैं, पक्षियों की भी आवाज लगाते हैं। जिन नाम आस पास सुना है पक्षिया ने तो उनकी आवाज ये लगा, जैसे कौवा हो गया, मोर हो गया, और इस प्रकार जैसे राजकुमार हो गया, अमरीश पुरी हो गया, तो उनकी मिमिक्री कराया है। तो इस पर दिखाओगे आपने पूरी न्यूनी बताओगे सुनाओगे बैठे बैठे राजकुमार ने और अमरीश पुरी ने आड़े ले आवेंगे। राम राम जी। राम राम जी। तो कड़े तो सीखी पहले तुमने बता दो। ये तो प्राकृतिक है जी। प्राकृतिक है, मतलब कोई प्रैक्टिस वगैरह कुछ नहीं करी? प्रैक्टिस तो करनी पड़ा थोड़ी बहुत तो। अच्छा, मतलब हाँ। कितनी उम्र में सीखनी शुरू कर दी थी? स्कूल टाइम तो है। स्कूल टाइम तो है। मतलब स्कूल टाइम तक किसी चीज ने देख कर प्रभावित हुई, या फिर मतलब गला ही सा है, कूड़े ते लकड़ा आवाज इस प्रकार तक है? बात यह गला मतलब कोशिश करनी पड़े, इसकी थोड़ी बहुत रिहर्सल करनी पड़े। अच्छा। सबसे पहले जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, उनकी आवाज देखो, मोर तो खत्म होते जान लग रहे हैं, लेकिन आवाज इनकी न्यू की न्यू मोर जी सी है। आपने देखे होंगे पहले अपने मंडेरे पे मोर पाया करते, वो भी मोर अंडे जाया करते, क्योंकि ना तो जंगा रही पहले मोर नहीं पाया करते कि तो आड़े में भी मोर पाते, लेकिन ये मोर भी खत्म होते जान लग रहे हैं। लेकिन चलो भाई ने कम तक कम आवाज तो सुनाई, मोर की गणे दिन हो गए सुने भी। जो पुराने स्टूडियो आ रही में वो नंबर चला करते किस तरह आएंगे, पहले वो नु घुमाया करते, उसमें आवाज आ रही शुरू में लैंडलाइन फोन होया करते आया करते सुनकर ना पुरानी चीज याद आ लग रही, पहले लैंडलाइन फोन आए थे सुरमन मन में बोला करती टन टन। हां, जो पुरानी जो संस्कृति वो विलुप्त होने जा रहा है, मोर भी खत्म होने लग रहे हैं, बाजे भी खत्म हो लिए, लैंडलाइन भी जा लिए, और ये वे जो बाजे थे अपना बैंड बाजा वो खत्म हो लिए उसकी आवाज। तो मतलब सही है पुरानी हमारी संस्कृति, क्योंकि तो आपने देखा होगा कि डीजे चल रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें, जब ज्यादातर डीजे चल रहे हैं भी बेस बढ़ा दो डीजे का, लेकिन पहले बाजे बाजे करते, हम भी छोटे छोटे थे जब हमारे काका था और के ब्याह थे तो हमने भी सुना है, और भी लाल लाल कलर के कपड़े पहन आया करते, टोपी बाजा बजाया करते, जो कि ने सुनाए ओ बेंजू। बेंजू बेंजू इंस्ट्रूमेंट हो जी, जिससे मतलब आपने शुरू वाली आवाज निकाली ना, वो आवाज सुनकर उस फिल्म की वो याद आई, उसमें यो हम आपके हैं कौन मैं है ट्यूनिंग न्यू की न्यू है ना, हाँ तो उसमें हम आपके कौन में यह ट्यूनिंग है, तो सुनते हैं उस फिल्म की याद आ गई। कितनी पारिवारिक फिल्म थी, और सुनाओ। तो बाद में देखें कौवा। कौवा और पहाड़ी काग संदीप ने सुनाई गणे दिन काग की आवाज। कोयल
करती मीठी आवाज हो, कितनी देर सुने जाओ मन नहीं भरता कोयल की आवाज तो है। और मतलब बाघा में पाया करती, बाघ ही खत्म होते जाना करे, बाघ भी कम पावे है। बेड बे 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 यार कसूती लागी बेड की आवाज छोटा में मना है। बेड की फिर बच्चे की दोनों की आवाज है। ओ गाय माता, मा मा। और खागर, और एक और नस्ल आ रही है तीसरी जिसने लोग आजकल खट्टर कहते हैं। देखो जब आप बोलो हो तो मना देखिया, मतलब आपकी आंखें में पानी आ रहा है तो मतलब जोर लग गया है, गला खराब से हो रहा है, खांसी जुकाम। मतलब जैसे आप बोलो तो जोर तो लगता ही होगा, जोर तो लग गया जी, क्योंकि आपकी आंखें में पानी आ रहा है, आंख भी लाल हो रही है, मतलब आवाज निकालते आ रहा, गले का पूरा जोर लग गया है, जोर भी लग गया, बाकी आजकल मौसम खराब होने के कारण गला खराब हो रहा था। अच्छा तो और बताओ और क्या क्या हाई साउंड एक चुटकला याद आ गया कदे की आवाज सुनकर, सुनया करता छोटे छोटे बोला टाइम टाइम की बात है, जब बोलया करता दो कोसते ही सुनया करता। या प्रजाति भी लुप्त होने लग रही है। और क्या गिरेगी? कुत्ते की, कुत्ते का पिल्ला जो छोटा गड्डी तले जग रहा है। बेचारे को टांग टूंग पे टायर चढ़ा जाए, कोई टांग टूंग तोड़ जाए तो बेचारे नुआ चल जाएगा, मेरे नुआ करते पी पी करते से। अच्छा एक वो बताओ थे आप राजकुमार की अमरेशपुरी की, जानी हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, बंदूक भी हमारी होगी और गोली भी हमारी होगी। ये तो राजकुमार हो गया। बकम्बो खुश हो चलो कम तक हमारे पक्षी तो विलुप्त होते जान लग रहे, आवाज तो है उनकी। और भी किसी चीज गिरेगी? याद को नहीं आती टाइम पर। अच्छा याद को नहीं आती, ज्यादा दिन हो गए? हां कई दिन में प्राण स्त्रियां कोई इंटरव्यू वाला तो आज तो कर लिया, नहीं तो बाकी बंदे है। अच्छा सुने बाहर कोई प्रोग्राम रो कोई जाया करो? शुरुआत में जाता मैं तो बंदे है ना, स्कूल कर ला मैं, कॉलेज स्कूल में कॉलेज में जिक्र बाहर भी तो जा करते प्रोग्राम में, ये थोड़ा बंदे करते काम कुम के करो भाई, पढ़ाई लिखाई खेती करो के खेती का मेन काम दो खेती करो। हाँ अच्छा एक बात बताओ, जो मतलब आप शुरू शुरू में ये आवाज निकालने लगे तो एक आधी घर के नहीं डराए? मैं तो घर के ना डरंग राना था, सारे बालक डरे हैं, जोड़ में सारे बालक डरे हैं, के नाम है ये डांगर जो जोड़ में तो नहीं निकल दे हो। हाँ तो उसका भी एक्सपीरियंस है, को कर दिया करें ड्राई डरू के ना बस वो भी बता दो, उसका भी एक्सपीरियंस है जो वो भी सुना। फोर की में है। अच्छा अच्छा कोई ताऊ है उसकी कवा है तो भाई आपके गांव में तो पूरा हुनर पड़ा है। हां भाई हमारा गांव में हुनर पूरा पड़ा है, लेकिन लोग इस चीज ने देखने को लायक रही, क्योंकि देख वैसे तो मतलब पापड़ा गांव सब जाना, क्योंकि बड़ा गांव है और बहुत सारी सी चीज है अगर देखी जा है, क्योंकि हम पहले भी आए थे, पहले भी आपके गांव में जोड़ कुएं और बहुत सारी चीज देखने की है। है भी पापड़ा में प्राचीन चीजें भी हैं और उनर भी पड़ा है, लेकिन वो उनर दब रहा है, उसकी को निखान नहीं लग रहा। तो जैसे अब संदीप जी है, तो संदीप जी मतलब आप इस आवाज की वजह से मतलब आपने कुछ मिला है? मिलन फेम मिला और क्या मिला? नहीं मतलब फेम तो मिला, कोई बुलाता हो किसी ने सम्मानित करे हो, सम्मान बहुत जगह गया हूं मैं प्रोग्राम। अच्छा या फिर इसकी वजह से आपने कोई काम मिल गया हो? काम की देखो मतलब सिर्फ नाम फेम तो पेट नहीं भरता, उसके पेट खातिर पीछे भी चाहिए हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ देख लो मतलब आपने आवाज सुन ली है, क्योंकि एक कोई अगर कथनी और कोई अगर करनी, लेकिन हमने करके दिखा दी है, मतलब संदीप जी ने आवाज लगाड़ कर दिखा दी है, बैठे बैठे राजकुमार भी आ लिया, अमरीशपुरी भी आ लिया है, और जो बाकी
जो पक्षी की आवाज़ सुनाई वह तो बहुत बढ़िया लगी मैंने। और वे पक्षी कितने कितने खत्म भी हो गए हैं, मोर है जैसे, कौवे है, ये चीज़ दिखने मिलती है कौन है। पहले तो बैठे रहा करते मंडेर पर और एक गीत भी गाया करते, उड़ जा रहे काले से कागा तो मतलब देखा करते हम ये पहले छोटे छोटे थे, लेकिन ये सारे पूरा का पूरा पर्यावरण है चेंज हो गया है। तो यो हुनर है आपके श्यामी है, तो इस हुनर के बारे में आपका क्या कहना है भी किस प्रकार से। लेकिन देखो एक चीज़ तो मैंने भी नोट करी है कि जिस प्रकार से जब संदीप बोल रहा है तो बहुत तो जोर लगा है, प्रैक्टिस करनी पड़ा है इस चीज़ की, क्योंकि जब इतना जोर लगा है इसलिए आँख में पानी आया है, इसलिए आँख लाल हुई है। तो आपका क्या कहना है इस हुनर के बारे में ज़रूर बताइए और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, घर बैठे बैठे मोर की कोयल की आवाज़ सुन लियो।